हाय एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो जो मतलब डिसऑर्डर होता है, मस्कुलर मतलब मांसपेशियों में और स्केलेटल मतलब हड्डियों की जो सिस्टम में। पहला जो डिसऑर्डर है मायस्थेनिया ग्रेविस होता है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अफेक्टिंग करता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन एंड लीडिंग टू फैटिक वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। मतलब ये कमजोरी मतलब फटिग मतलब होता है कम थकान, वीकनिंग मतलब होता है कमजोरी, पैरालिसिस मतलब होता है लकवा मार देना स्केलेटल मसल्स को, मतलब जो हड्डियों की जो मांसपेशियां होती है उसमें लकवा मार देता है। अर्थराइटिस होता है दोस्तों, ये अर्थराइटिस जो होता है सूजन होता है जॉइंट्स में, जहाँ पर गांठ होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। ज़्यादा खासकर ये बुढ़ों में होता है, बुजुर्गों में होता है। गाउट जो होता है, गाउट को नॉर्मल यूरिक एसिड की प्रॉब्लम कहते हैं। ये भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होता है वो जॉइंट में एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।